सो फर्स्टली, जो लोग इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के बेसिस पर ऑन कर रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई एंटरटेनिंग, थ्रिलिंग, एडवेंचरस ब्लॉग नहीं होने वाला है. बट अगर आप लोग अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में होने वाले डिजास्टर और कहर के बारे में जानना चाहते हैं और उससे हमें कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और होंगे, अगर आप उसके बारे में अवेयर होना चाहते हो और हो भी, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर में वीडियो क्यों बना रही हूँ. सो इट इज जस्ट अ फिल्टर जिसे मैं चेंज कर सकती हूँ, बट उसका क्या, जो अंधेरा हमारी सोसाइटी में, हमारे वातावरण में फैल रहा है, अगर वो बढ़ता रहा उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते ना. एवरीवन, माय नेम इज अनामिका शर्मा, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त ऑफ टुडेज ब्लॉग. सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों से हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले डिजास्टर और कहर के बारे में बात करने वाली हूँ, जो धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट में फैल रहा है और जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है और आगे जाके और भी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा. है वो कहर और तबाही जो धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में, हमारे पर्यावरण में फैल रहा है. वैसे मेरा टाइटल और थंबनेल देखकर आप जान ही चुके होंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो ही चुका होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाली हूँ. सो जी हाँ, ये कहर है आग और पॉल्यूशन का, जो धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा है. बहुत समय से मैं देख रही हूँ कि हमारे चारों तरफ, जिस भी पहाड़ी में देखो उसमें आग लगी होती है, चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है. और कभी तो ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, क्योंकि इतना धुआं और पॉल्यूशन मैंने वहीं पर देखा है. कभी सोचा भी नहीं था कि कुल्लू में भी ऐसा कुछ होगा और इतना कहर, इतना पॉल्यूशन और इतना धुआं यहाँ पर भी कभी हमें देखने को मिल सकता है. इस धुएं ने पूरे हिमाचल को घेर लिया है और इसका कारण सिर्फ हम लोग हैं, इंसान ही है, जो इस कहर को फैलाने में भागीदार. हम लोग अंधे हो चुके हैं या फिर हम लोग देखना नहीं चाहते कि हमारे सराउंडिंग में क्या चीजें हो रही है और इससे हमें कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं. सो गाइस, आज मैं हम सभी के सामने एक फरियाद लेकर आई हूँ और आई होप हम सभी मिलकर इस कहर को, इस तबाही को बढ़ने से बचा. और इस समय पे जो सबसे ताकतवर और पावरफुल प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने का, वो सिर्फ सोशल मीडिया है. और इसके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं. और अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि मैं एंटरटेनमेंट का ही साधन आप तक पहुँचाऊँ, बट इट इज़ ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट कि हम लोग हमारे सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों के बारे में अवेयर रहे और उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले, इनिशिएटिव ले, ताकि हम उन चीज़ों को, उन बुरी चीज़ों को बढ़ने से रोके जो हमारे लिए बुरी है और हमारी सोसाइटी के लिए बुरी. गाइज, आप जैसे देख ही रहे होंगे कि हर दिन इतनी ज़्यादा रफ्तार में जंगलों को जलाया जा रहा है. क्या मेंटेलिटी है उन लोगों की जो जंगल जलाते हैं, और उससे क्या फ़ायदा उन्हें मिलता है, मैं उन्हें ज़रूर पूछना चाहूँगी. और अगर उन्हें लगता है कि जंगल जला के उन्हें बेनिफिट मिलते या हमारे लिए अच्छा है, सो ये जो उनका भ्रम है वो आज मैं ज़रूर तोड़ना चाहूँगी. और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है कि जंगल जल रहे, ये हर साल इस समय पे होता है. और एक सर्वे के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्टेट्स में इतनी ज़्यादा जंगलों को जलाया जाता है इस समय पे कि उसकी वजह से ना जाने कितने हजारों, करोड़ों, अरबों वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड स्पीशीज है, वो खतरे में आती है, वो मर जाती है. और उसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और पड़ रहा है. तो गाइस, चलिए बात करते हैं कि जंगलों को जलाने की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग करने की वजह से हमें कितना नुकसान होता है और उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं.
तो फर्स्टली स्टबल बर्निंग क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहूंगी। तो स्टबल बर्निंग एक प्रोसेस है जब खेतों में जो अनाज होता है उसकी कटाई की जाती है, जब उसकी हार्वेस्टिंग करके खत्म हो जाता है, तो वहाँ खेतों में बचे वेस्ट मटेरियल और जो जड़ें होती है उनको जलाने के लिए, जो है उनको खत्म करने के लिए लोग खेतों में आग लगाते हैं। और ग्रीन इलाकों में ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे पंजाब में हर साल इतनी ज्यादा स्टबल बर्निंग होती है कि पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो एरिया है वो पॉल्यूट, इतना पॉल्यूटेड हो जाता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। उसकी वजह से हमें कितनी ज्यादा बीमारियां लगती है, हमें हार्ट डिजीजेज, लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा जैसी बीमारियां उसकी वजह से लगती हैं। सो बैक इन टॉपिक, जंगलों को चलाने की वजह से और स्टबल बर्निंग की वजह से हमारी सॉइल, वाटर, एयर, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये पॉल्यूटेड होते हैं, और ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले बात करती है कि सॉइल कैसे पॉल्यूटेड होती है, कैसे इफेक्टेड होते हैं, और कैसा उसके ऊपर, उसका हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो जब हम जंगलों को जलाते हैं या खेतों में स्टबल बर्निंग की जाती है, जो हमारी मिट्टी होती है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कीड़े होते हैं जो सॉइल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वो मर जाएंगे तो सॉइल एक ईंट बन जाएगी, और ईंट में हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी उगा नहीं सकते। तो आग लगाने की वजह से वो जो कीड़े होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, और सॉइल की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे सॉइल के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग होती है, तो वो मर जाते हैं, तो सॉइल भी डेड हो जाती है। और फिर अगर हम उसमें क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाती, और फिर हम उसमें और ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, उसकी वजह से सॉइल और ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। और अगर हमारी क्रॉप ग्रो भी हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है हमारे लिए, पॉइजन होता है वो एक तरह का, और हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमें बीमारियाँ लग जाती है। तो इस तरह से सॉइल पॉल्यूटेड होती है आग लगाने से। और सेकंड है एयर, एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है, तो जब हम जंगलों को जलाते हैं तो उसकी वजह से जो धुआं निकलता है, उस धुएं में ना जाने कितनी डेंजरस गैसें उत्पन्न होती है, जैसे मीथेन, कार्बन, वाइट कार्बन, ब्लैक कार्बन, NO2 जैसी डेंजरस गैसें जो है उस धुएं से निकलती है, और वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को कवर कर देती है, घेर लेती है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो जो गैसों के जो डेंजरस गैसें होती है, उसकी कण ऑक्सीजन के साथ मिलकर हम हमारे अंदर जाती है, और हमें बीमारियां लगती है, उसकी वजह से हमें लंग्स इन्फेक्शन जैसी, और अस्थमा, और ना जाने कितनी हज़ारों बीमारियां, जो कि हम हमें नेम तक पता नहीं होता है, ऐसी बीमारियां हमें लगती है। और थर्ड है वाटर, वाटर कैसे इफेक्ट होता है, तो वाटर और रेन। सो जब हम आग लगाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, हानिकारक गैसें निकलती है, और वो जो पार्टिकल होते हैं, उसके कण होते हैं, वो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। और जब बारिश होती है, जो बारिश की बूंदें होती है, उसके साथ जो है वो गैसी, जो गैस के कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो मिलकर धरती पर आते हैं, बरसते हैं, और जब वो पानी हम पर पड़ता है तो हमें स्किन इन्फेक्शन, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां लगती है। और अगर वो पानी हमारे फसल पे गिर रहा है, हमारे अनाज पे गिर रहा है, तो वो भी उनमें भी बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती है, या फिर वो जो फूड होता है, वो सब्जियां होती है, वो पॉइजन बन जाती है। और जब हम उस पानी को कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो फिर हमें और बीमारियां लग जाती है। तो बेसिकली आग लगाने से हम अपने लिए ही कुआं खोद रहे हैं, और जंगलों को जलाना इज अपने घर पे आग लगाना, आप अपने घर को जला रहे हैं, और कोई भी अपना घर जलाना नहीं चाहता, और इंसान ने कोई भी कसर वैसे भी छोड़ी नहीं है इन पृथ्वी को पॉल्यूट करने में, और इतनी
इतना ज्यादा दूषित एनवायरनमेंट हमारा इस समय पे हो चुका है, जिसकी वजह से जैसे क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा टॉपिक इस समय पे चल रहा है। इतनी ज्यादा न्यूज़ आप देख सकते हो, हिमाचल की बात करो तो आप देखो कि टेम्परेचर कितना ज्यादा बदल रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पे, इवन कभी हमने देखा नहीं था। लू जैसे शब्द शायद से हिमाचल में बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कभी ये सब चीजें फेस ही नहीं करी थी, तो लू आने की भी नौबत हो चुकी है। अभी मई और जून का महीना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में 40 डिग्री से अबव जो है टेम्परेचर हो चुका है। लोगों के इतने ज़्यादा बुरे हाल हो चुके हैं, बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, बारिश नहीं हो रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अब हमारे कुल्लू में ही मैंने बहुत सारी जगहों में सुना कि लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, और फिर भी हम लोग जंगल जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, और लोगों को लगता है कि उससे बारिश आएगी। अगर आपको लगता है कि उससे बारिश आएगी भी, तो वैसे ही मैंने आपको बता चुकी हूँ कि वो बारिश इतनी एसिडिक होती है, एसिड रेन उसे कहा जाता है, जो उल्टा हमारे लिए ही बुरा है। क्लाइमेट चेंज आज इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है, हर दिन टेम्परेचर बदलता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? पृथ्वी पे जो है लगातार टेम्परेचर बदलता जाता है, ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है, हमारी जो ओजोन लेयर होती है उसकी डिप्लीशन हो रही है। जो ओजोन लेयर है वो जो सूर्य की हानिकारक रेज होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, और अगर वो ओजोन लेयर्स ख़त्म होगी तो जो सूर्य की जो हानिकारक रेज है वो डायरेक्ट हम पर पड़ेगी। उसकी वजह से इंसान को इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, स्किन इन्फेक्शन, स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ होती है, और हमारी फसलों पर भी जब वो रेज पड़ती है उसकी वजह से हमारी फसलें भी ख़त्म होती है। तो और डे बाई डे जो ग्लेशियर है वो बहुत जल्दी पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से जो है बाढ़ आने का इतना खतरा रहता है। और आप देखते ही हो कि हर साल इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही है, इवन कुल्लू में कुछ सालों में बाढ़ आ रही है। इवन 15-20 साल में मैंने कभी बाढ़ का नाम नहीं सुना था, कि बाढ़ हमने सिर्फ प्लेन इलाकों में देखा था, न्यूज़ में देखा कि बाढ़ आती है, बट अब कुल्लू में भी बाढ़ आना स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर इतनी ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, तो जो बर्फ है वो बहुत जल्दी पिघलेगी, जिसकी वजह से पानी का बहाव बहुत ज्यादा होगा और सब कुछ तबाह होगा, और इतना ज्यादा नुकसान आप देखते हो, न्यूज़ आप देखते हो कि हर अब जब बरसात का मौसम आएगा आप देखना कि कितनी ज्यादा न्यूज़ आती है कि यहाँ पे बाढ़ आई, यहाँ पे नुकसान हुआ, इतने घर डूबे, इतना ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान होता है इंसानों को, इतने लोग मर जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में सबसे बड़ा कहर जब आया था, कितना ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाढ़ इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है कि लोग मर जाते हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, फैमिलीज उनकी लॉस्ट फैमिलीज को खो देते हैं। तो हम इन इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा जो बवंडर हमारे लाइफ में फैल रहा है, आ रहा है, आ चुका है, उसका कारण हम लोग हैं, हम इंसान हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ को दूषित करना स्टार्ट कर दिया है। पेड़ इतनी ज़्यादा मात्रा में काटे जाते हैं। अगर बात करें पेड़ लगाने की, तो हम कहते हैं कि ये सरकार का काम है, ये फॉरेस्ट वालों का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है तो हम क्यों लगाएंगे। अगर बात आती पेड़ों को काटने की, जंगलों को जलाने की, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है। अगर बात आती है सफाई अभियान की, या फिर गंदगी ना फैलाने की, बीचेस में कूड़ा करकट, नदियों में कूड़ा करकट ना फेंकने की, तो वो काम है सफाई कर्मचारियों का, ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर बात आती है वहाँ पर गंदगी फैलाने की, रोड में कचरा फेंकने की, नदियों को दूषित करने की, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है। क्यों हमेशा हम बुरे कामों को करने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेते, और अगर हमें अच्छे काम करने हैं तो हम 100 बहाने ढूंढते हैं, 100 एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि ये उसका काम है, ये उसका काम है। अगर हम इस धरती पर रह रहे हैं तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने अर्थ को प्रिजर्व करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे, पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि
इनडायरेक्टली इन सब चीजों का इफेक्ट हम लोगों को पर हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि बीमारियां इतनी रफ्तार में बढ़ रही है, आप कोविड के समय पे देखो लोगों की कितनी क्रिटिकल सिचुएशंस हो गई थी, कितनी गंदी मौतें इंसानों की हुई थी, बट स्टिल हम लोगों ने अपनी कर्मा से, अपने पास से कुछ भी नहीं सीखा, हम फिर से लगे हुए हैं। हर इंसान का यही होता है कि जब हम पर बीतेगी तो हम सोचेंगे, अदरवाइज इंसान बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। और कोई भी जो हमारी बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ, इसके बारे में हम सोचते नहीं, हम सिर्फ बातें करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं। पर अभी भी समय है, हम इस बवंडर को, इस कहर को बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर हम सभी मिलकर इनिशिएटिव ले तो हम एक न्यू रेवोल्यूशन ला सकते हैं और एक पॉल्यूटेड फ्री, एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे सभी इंसान एक हेल्दी, एक हैप्पी, पीसफुल लाइफ जी सकता है। सो बात करते हैं कि कैसे हम लोग मिलकर, या फिर हर एक इंसान छोटे छोटे स्टेप लेकर एक न्यू और एक अच्छा बदलाव ला सकता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। अगर लोग सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा एरिया नहीं होता लोगों के पास, लोग फ्लैट्स में रहते, तो आप लोग इंडोर आउटडोर एयर प्योरीफायर प्लांट्स लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों से अच्छा अपने घर को डेकोरेट कीजिए नेचुरल प्लांट्स लगा के, जो आपके लिए और सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। आपको शुद्ध हवा उससे मिलेगी और आप अपना घर भी सुंदर बना सकते हैं उससे। और अगर लोग, जैसे हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, तो हम अपने खेतों में, अपने रोड्स में, अपने घरों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके उतना हम प्लास्टिक अवॉइड करें और कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें। लोग बसों से बाहर कूड़ा फेंकते हैं, खाकर रैपर बाहर फेंकते हैं, आधा से ज़्यादा लोगों को तो मैंने ये कहते सुना है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी गंदगी है, अगर हम फेंकेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान हम लोगों को हो रहा है। हमेशा अच्छी पॉजिटिव सोच रखिए कि अगर किसी इंसान ने गंदगी डाली, अगर हम भी वैसा करेंगे तो उसमें और हम में क्या चेंज है। अगर हम उस कचरे को साफ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम वहाँ पे और कचरा ना डालें। एटलीस्ट सबसे बड़ी बात तो इंसान को अपनी सोच बदलने की है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, दुनिया में चेंज लाने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव वे में, तभी मुझे लगता है कि ये चीज़ तभी हम तभी मुझे लगता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी सोसाइटी हम बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर इंसान अवॉइड करे व्हीकल, जहाँ पे हो सकता है कि इंसान अवॉइड कर सकता है वहाँ पे व्हीकल कम यूज़ कीजिए, ताकि एयर पॉल्यूशन ना हो। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सभी मिलकर करें और सभी को सिखाए, अगर आपको दिखता है कहीं लोग कुछ कर रहे हैं, कहीं लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, कहीं आपको पेड़ लोग काटते हुए दिख रहे हैं, तो आप लोग उनको समझा सकते हो, उन्हें उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स बता सकते हो। और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेंगे तभी हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, हम अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर अर्थ इतनी पॉल्यूटेड होती रही, टेम्परेचर चेंज होता रहा, तो हम लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और हमारी मौतें बहुत गंदी होगी। सो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बोला और बहुत लोगों ने तो वीडियो स्किप भी कर दी होगी, क्योंकि हम हमेशा एंटरटेनमेंट का ही सोर्स ढूंढते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर अभी तक एंड तक जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, और स्पेशली उन लोगों से जो जंगल जलाने में भागीदार, उन लोगों से तो मैं हाथ पांव जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जंगलों को जलाना बंद कीजिए। 75 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने, इंडियंस ने हमें फ्रीडम दिलवाई थी, इंडिपेंडेंस दिलवाई थी, हमारा जो हक था हमें दिलवाया था। वैसे ही आज अगर हम सभी मिलकर छोटे छोटे एक्ट करे, इनिशिएटिव ले अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी ही क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो
प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी और सभी एक अच्छी, एक हेल्दी, एक मीनिंगफुल, एक पीसफुल लाइफ जिएंगे। सो गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर, अपने फ्रेंड्स को अवेयर कीजिए, अपने फैमिलीज को अवेयर कीजिए, ताकि हम सभी मिलकर एक न्यू रेवोल्यूशन ला सके। और आई नो जब सभी मिलकर कहते हैं कि छोटी छोटी, और कहते हैं ना छोटे छोटे एक्ट बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, और यूनिटी में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो हम सभी को वो पावर दिखाने की ज़रूरत है, हम सभी को एक साथ मिलकर नया बदलाव लाने की ज़रूरत है। सो गाइस बस यही कहूंगी आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने एंड तक ये वीडियो देखी। गाइस सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करवा सकते हैं कि आई नो बहुत सारे लोग ये बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे। सो बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एक इको फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए और हमेशा खुशियां बांटते रहिए।